प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पुलिस की दमनकारी तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। शांतिपूर्ण तरीके से बीएसएससी कार्यालय में हजारों की संख्या में धरना दे रहे अभ्यर्थियों को आधी रात को पुलिस ने जबरन घसीटते हुए हवाई अड्डे थाने ले गई। यह घटना सोमवार की देर रात की है। बीएसएससी कार्यालय में धरना दे रहे छात्रों का कहना था कि प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के काउंसलिंग में 2014 के विज्ञापन के अनुसार जाति प्रमाण पत्र, नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की जांच पहले की जाए। बीएसएससी उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं था। इससे नाराज छात्र कार्यालय के ठीक सामने धरना पर बैठ गए। इससे खपा पटना पुलिस देर रात वहां पहुंची और धरना पर बैठे लोगों को जबरन उठा ले गई। राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार को पुलिस द्वारा काफी दूर तक घसीटते हुए अमानवीय तरीके से गिरफ्तार करके हवाई अड्डा थाना ले जाया गया। तीन छात्रों के साथ भी पुलिस की बदसुलूकी का वीडियो सामने आया है। एक छात्र को पीछे से बाल खींचकर जमीन पर गिराकर पीटा भी गया। छात्रों द्वारा काफी दबाव के बनाने के बाद ढाई घंटे बाद पुलिस गिरफ्तार किए गए छात्रों को फिर रिहा की। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।